यह स्मार्ट बोर्ड में मिनी पीसी का, ये देखिए मिनी पीसी है, पीसी है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, रियल टाइम क्लॉक लॉस का आ रहा है, 005 रियल टाइम क्लॉक लॉस का आ रहा है। ये कैसे मिनी पीसी खुलता है वो दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ स्लाइडर टाइप का जो दिख रहा है, यहाँ पे लॉक होता है इसका। इस स्लाइडर को थोड़ा सा घसका देना है और ऐसे हाथ पे रख के, कोई भी स्क्रू नहीं होता इसमें, इसको ऐसे करके स्लाइड करके खोलना है। अब खोलने के बाद सबसे पहले इसका फ़ैन हटाएंगे, देखेंगे सीमोस कहाँ पे होता है। तो जैसे ही फ़ैन हटाएं तो देख सकते हैं कि अब सीमोस कुछ दिख रहा है, हार्ड डिस्क के नीचे लगा हुआ है। तो हार्ड डिस्क को निकालेंगे, ये देखिए, ये इसमें भी स्क्रू नहीं होता है, देखिए। अब ये हार्ड डिस्क को स्लाइड करके बाहर की ओर निकाल लेंगे, ये बाहर की ओर निकालें। अब इसमें तीन स्क्रू होता है, तीनों स्क्रू को एक एक कर खोलना है, तीनों स्क्रू को एक एक करके खोल लेना। ये देखिए तीनों स्क्रू खुल गया, ये देखिए तीनों स्क्रू, इसको बाहर निकाल लेना है। और निकालने के बाद इसका जो हार्ड डिस्क का जो कैबिनेट दिख रहा है छोटा सा, उस कैबिनेट को हटाएंगे। ये देखिए ये कैबिनेट को हटाएंगे, ये थोड़ा उलट देते हैं, इसको जम्पर लगा हुआ है तो इसको बिना निकाले काम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सीमोस बैटरी है, इसको अच्छा से निकालना है, बहुत ही सेंसिटिव होता है तो इसको अच्छा से निकाल लेना है। ये देखिए ये निकल गया, ये देखिए, तो ये बैटरी आ गया बाहर। अब इसमें हमें दूसरा बैटरी, देखिए दूसरा न्यू बैटरी लगा रहे हैं जिसमें 2032 बैटरी लगता है, सीमोस बैटरी। तो ये देखिए ये बैटरी जैसे निकाले थे बिल्कुल वैसे ये लगा देना है, और जैसे बिल्कुल खोले थे बिल्कुल वैसे ही तीनों स्क्रू टाइट कर देना है, एक एक कर तीनों स्क्रू को टाइट कर देना है। अगर आपके पास भी ऐसा मिनी पीसी है और ऐसा जो मैंने थंबल में दिखाया हुआ है जिस टाइप का एरर आ रहा है, तो आप इस वीडियो को देखकर अपना मिनी पीसी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए जिस तरीके से ये खोले थे, ये नहीं सॉरी, ये हार्ड डिस्क उल्टा लगा हुआ है इसकी वजह से। ये देखिए जैसे खोले थे एकदम उसी तरीके से ये हार्ड डिस्क को बैठा देना है। ये देखिए बिल्कुल बारीकी से बैठाना है इसको। और देखिए पहले फ़ैन बैठा लेते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ जो आगे मेरा उंगली दिख रहा है आगे में, ये हाँ ये अब देखिए ये लॉक हो चुका है और ये लग गया। अब ये जो कैबिनेट है जिस तरीके से खोले थे, इसका फ्रंट का ये है, फ्रंट इसका देखिए फैन के आगे की ओर फ्रंट है। तो आगे इस तरीके से लगा देना है। चलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता था लेकिन मैंने मिनी पीसी को निकालने के बाद ये काम, मिनी पीसी को निकालने के बाद मैंने ये काम किया है। तो ये देखिए वीडियो को पुश कर मैंने मिनी पीसी इसमें फिक्स कर दिया है, उसके बाद ये विंडो 10 डायरेक्ट ऑन होने लगा। तो चलिए इसको हम फिर से इसको सेटअप पे जाते, जैसे ही ऑन करेंगे इसको F10 प्रेस करके सेटअप पे जाएंगे। इसको यहाँ पे नो कर लेना है, फिर से F10 प्रेस करना है, और F10 जैसे ही देखिए वीडियो आएगा F10 प्रेस करना है। जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट होगा या शट डाउन करके भी कर सकते हैं, F10 देखिए कॉर्नर में लिख रहा है ना सेटअप। अब इसमें जाना है टाइम एंड डेट में, चेंज टाइम एंड डेट यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, चेंज टाइम एंड डेट में इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए पहले MM जो लिखा हुआ है DDYY मतलब मंथ डेट और ईयर, तो इसमें इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना। अब इसमें कैसे इसका वो बढ़ेगा नंबर, वो नंबर टाइप करने से नहीं बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है वो बताते हैं। देखिए जैसे कि इसमें आप एरो की से नंबर बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही उसके बाद जाना है
सेकेंड में मंथ में जाना है या डे में भी है तो डे में टैब से जाएंगे, फिर ईयर में जाना है तो फिर टैब से जाएंगे, लेकिन जो बढ़ाएंगे 1, 2, 3 जैसे भी जो भी डेट पड़ता है वो ऊपर वाले एरो से प्लस होगा, नीचे वाले एरो से माइनस होगा। अब ये सेफ हो चुका है, एरो से नीचे आना है, उसके बाद इंटर प्रेस करना है। अभी का जो टाइम हो रहा है वो टाइम को सेट करना है, तो वो भी सेम प्रोसेस होगा, एरो से ही होगा, एरो से होगा। और इसमें न्यूमेरिक की जो साइड में होता है उससे भी यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन ऊपर में टाइम डेट में नहीं लिखाता है, सॉरी डेट में नहीं लिखाता है, टाइम में लिखा जाएगा लेकिन डेट में नहीं लिखाता है। तो यहाँ पे अभी 12:48 हो रहा है यहाँ पे। अब इंटर करके इसको सेव करके बाहर आता है, तो इंटर करके सेव कर दिए। अब यहाँ पे स्कैप प्रेस करेंगे, सेव करना है तो यस यस करके इसको बाहर आ गए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे विंडोज़ स्टार्ट हो चुका है, ये विंडोज़ स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम, ये देखिए विंडोज़ स्टार्ट हो गया है, आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है।